हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति दिवाकर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं बहुत अच्छी। तो ये ब्लॉग जो है ये वापस आते हुए मैंने बनाया है, और वापस आते हुए हम गए थे यहाँ पर सिसु लेक में। तो इस तरह से एक लेक बनी हुई है छोटी सी, जिसमें कि आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इस टाइम पे बोटिंग नहीं हो रही थी, करीबन 4-5 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे। काफ़ी तेज़ धूप भी थी उस टाइम पर, गर्मी थी इसलिए बोटिंग नहीं हो रही थी यहाँ पर। बट हाँ, वैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर बोटिंग, तो उसका आपको टिकट वगैरह लेना होगा। सामने का व्यू आप देख सकते हो, ऐसा होगा जहाँ होगी एक बड़ी सी पार्किंग, और साथ में ही हेलीपैड वहाँ पर स्पेस होगा, एंड सामने वाटरफॉल होगा, स्टॉल्स होंगे जहाँ आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, खा पी सकते हैं अपना। और यहाँ पे ज़िप लाइनिंग की भी फैसिलिटी है, तो अगर आप ज़िप लाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ आके आप अच्छा इन्जॉय कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सा पॉइंट है। और काफ़ी आगे जाके ज़िप लाइन से के थ्रू ये सामने जो वाटरफॉल है, ये सिसु वाटरफॉल है, तो यहाँ पे भी आप ये आगे जाकर वाटरफॉल देख सकते हैं। बट ये आ रहे हैं सिसु वाटरफॉल देखने थोड़ा पास से, और आगे का व्यू देखने सिसु लेक हमने देख लिया। सो गाइज, यहाँ पे सामने आप देख सकते हो सिसु वाटरफॉल, एंड यहाँ पे चल रहा है पानी बहुत अच्छा, जो जिप लाइन हो रही है। वहाँ से हम निकल चुके हैं, काफ़ी आगे हम पहुँच गए हैं, और आगे ही रास्ते में पड़ेगा मनाली भी। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो पहले नहीं थी, इतने टाइम पहले जब मैं मनाली आई थी तब वो एक्टिविटीज़ नहीं थी, अब वो एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पर। लाइक आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग काफ़ी टाइम से होती आ रही है, इस तरह से आपको पैराग्लाइडिंग कराई जाएगी। जगह जगह पर आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। राफ्टिंग आप कर सकते हैं, और न्यू जो मैंने देखा है वो देखा है हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून का भी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर आइए। मेन रोड पे जो मनाली रोड है वहाँ पर चलते चलते आगे आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके टिकट्स की कॉस्ट तो आपको वहीं जाकर पता करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, जुलाई का टाइम है, तो सीजनल टाइम पर तो वैसे भी आपको पता है कि रेट्स हाई रहते ही हैं। तो ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये जगह जगह लगे हुए हैं, आप जब मेन रोड पर जाएंगे ना तो आपको इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे बोर्ड्स लगे हुए, तो आप वहीं से इसको भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा। चारों तरफ आपको माउंटेन्स एंड साइड में आपको मिलेगी रिवर पूरी, तो ये व्यू आप ज़रूर इन्जॉय करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता है तो आप बिल्कुल ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जगह जगह पर ज़िप लाइन भी काफ़ी जगह हो रही थी मनाली रोड पर, ना ज़िप लाइन बहुत सारे लोग कर रहे थे, और कहीं कहीं सिर्फ 200 रुपीज़ में भी आपको ज़िप लाइन कराई जा रही थी। नीचे की साइड में जो मनाली की साइड है वहाँ पर 200-200 रुपये में आपको ज़िप लाइन कराई जा रही थी। तो इस तरह से मनाली रूट पे चलते चलते आपको काफ़ी सारे ऐसे हॉट एयर बलून्स राइड्स दिख जाएंगी गाइस। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए हम ऊपर की साइड में गए थे। तो वापस हम चलते हैं, एंड जगह जगह पर ये पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, तो वो भी मैंने छोटी छोटी वीडियो शूट की हैं, और इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हाँ आपको अगर शौक है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको भी ट्राई। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये वाला ट्रिप, और इसके बाद में ये ट्रिप ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे मलाना, जहाँ पर है आयुष के मामू जी का गेस्ट हाउस। तो वहाँ पर हम जाएंगे 2 दिन के लिए, एंड वहाँ का व्लॉग भी मैं आपके साथ में जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग तो अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग था ये ट्रिप का हमारे, एंड इसके बाद में मलाना वाला व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड अगर आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ठीक है? जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बोला है कि 500 सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत जल्दी से करने हैं, तो वो आप करा दीजिए, फिर हम करेंगे अच्छा सा यूट्यूब का सेलिब्रेशन। तो करती हूँ इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड। हम पहुँच गए थे घर पे रात को जल्दी, तो 8-8:30 बजे हम पहुँच गए थे, एंड मम्मी वेट ही कर रही थी हमारा बाहर बैठ के, तो हमारे डॉग्स भी वेट कर रहे हैं बाहर बैठ के, और बहुत ज़्यादा खुश हो गए।
तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।